बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं हैं। सुशांत के अचानक चले जाने से उनके करीबी दोस्त, उनके चाहने वाले, उनका पूरा परिवार सदमे में है। आपको बता दें, सुशांत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती, जिन्हें वो कथित तौर पर डेट कर रहे थे, सवालों के घेरे में खड़ी हैं। और एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चे बटोर रहा है वो है अंकिता लोखंडे का। 6 साल तक सुशांत और अंकिता ने एक दूजे को डेट किया। मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें की जाती रहीं। सुशांत और अंकिता, बताया जाता है कि ये दोनों शादी तक करने वाले थे। रिश्ता इनका इतना खूबसूरत कि शादी की दहलीज तक पहुंचने वाला था, मगर उससे पहले ही इन दोनों की राहें एक दूजे से जुदा हो गई। सुशांत और अंकिता के रिश्ते में दरार आ गई और इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, सुशांत ने बड़े पर्दे पर नाम कमाया, अंकिता लोखंडे ने भी बॉलीवुड की दुनिया में मणिकर्णिका के जरिए कदम रखा। अब अंकिता खुद एक इंटरव्यू में बताती हैं कि ब्रेकअप के बाद उनके और सुशांत के बीच रिश्ता कैसा है। अंकिता खुद बताती हैं कि ब्रेकअप के इतने सालों बाद वो और सुशांत एक दूजे के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं। ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस इंटरव्यू के बारे में हम आपको बताएंगे। अंकिता ने सीधे तौर पर कहा, मेरे और सुशांत के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती, हमारे बीच टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि हम दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं करते। अंकिता कहती हैं, मैं ब्रेकअप से पूरी तरह उभर चुकी हूँ, मुझे लगता है कि ये मुश्किल नहीं है। सुशांत के साथ दोबारा कभी आप जाएंगी? अंकिता ने कहा, ये मुमकिन नहीं है। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद भी दोस्त रहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। आपको बता दें, सुशांत अंकिता का ब्रेकअप किन परिस्थितियों में हुआ, इन दोनों के रास्ते क्यों अलग हुए, ये राज इन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि सुशांत और अंकिता, इन्होंने आज तक खुले तौर पर एक दूजे पर इल्ज़ाम नहीं लगाए। आपको बता दें, सुशांत के निधन के बाद अंकिता पूरी तरह से टूट चुकी हैं। करीबियों का कहना है कि उनके लिए अपने आप को संभाल पाना भी नामुमकिन सा हो रखा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।